श्री शरद पवार जी, मुझे गौरव है कि आज संध्या बेला में आपके साथ हूँ। इस समिति का अध्यक्ष मुझे इसलिए नहीं बनाया गया कि उस समिति में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं था। अत्यंत प्रतिभा वाले लोगों को उस समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। मुझे केवल इसलिए बनाया गया कि शरद उम्र में हमसे छोटे हैं और अटल जी हमारे से उम्र में बड़े हैं। दोनों से हमारा परिचय लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। छोटे और बड़े का अंतर अपनी जगह पर रहे, लेकिन विचारों में, आपसी व्यवहार में, आचरण और शिष्टाचार में इन दोनों लोगों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमारे मित्र ने, पटेल ने कहा कि आप ही कहिए प्रधानमंत्री जी से शरद के जन्मदिन में आने के लिए। तो अटल जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने एक क्षण भी नहीं लगाया, स्वीकृति दी। अटल जी और शरद से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, अत्यंत सौहार्द के, ममत्व के। विचारों में पता नहीं राजनीतिज्ञ लोगों के बहुत अंतर आया करते हैं, लेकिन मेरा विचार तो ज्यों का त्यों रहता है। ये दोनों लोग अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी इनकी पार्टियों का दबाव इनके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। अकेले में हम लोग तीनों एक मत के हैं, बाहर से दोनों लोग कभी कभी अलग हो जाते हैं। और ये कारण, इसीलिए मैं जब कभी मिलता हूँ तो मुझे पुराने दिनों की बात याद आती है। शरद पवार ने जिंदगी शुरू की थी एक गांव के किसान के घर में। परिवार राजनीति से संबंधित था, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी थी। वहाँ से, गांव की माटी से, स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति से, उस ऊर्जा से इन्हें बल मिला था। गांव की गलियों को भूले नहीं हैं, दुनिया के विकास को देख करके उससे होड़ लेने की तमन्ना इनके दिलों में है। वहाँ से चल करके राजनीति में इन्होंने काम किया, युवक कांग्रेस के नेता बने, असेंबली के मेंबर बने और तब से कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुख्यमंत्री रहे या तो विरोधी दल के नेता रहे, फिर दिल्ली में संसद में पहुँचे। उन्होंने संघर्ष की ज़िंदगी बिताई, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे संघर्ष करने वाले लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए किसान, उनके साथ उनका इतना लगाव है कि उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए इन्होंने सतत प्रयास किया। विदेशों में गए, वहाँ से जो सीखा उसे बारामती की धरती पर उतारने की कोशिश की। मैं कई बार बारामती गया हूँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, मेरी और शरद से कभी राजनीति के बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा अगर हो तो झगड़ा हो जाए, इसीलिए हमारा ममत्व तो बना रहा कि प्रतिभा का स्नेह हमेशा बना रहा और उसी कारण से हम लोग आज भी एक हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परिवार की सीमाओं में कभी कोई तनाव नहीं आया, ममत्व में कोई कमी नहीं आई और उस बात को शरद ने भी निभाया। अटल जी का भी वही स्नेह हमारे बीच है, हमारे ऊपर है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को आकर के उन्होंने इस आयोजन को और अधिक सम्मान दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी हेगड़े ने एक बात कही, राजनीति में हम अलग हो सकते हैं विचारों से, लेकिन आज हमारे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तारीकी के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे समय पर देश को एक करने की ज़रूरत है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि छोटे सवालों पर हम उलझ करके रह जाते हैं, बड़े सवालों को हमें हल करने के लिए एकता करनी होगी। एकता केवल कौमों की नहीं, जातियों की नहीं, राजनीतिक पार्टियों की नहीं, जनमानस की एकता करनी होगी। उस क्षेत्र में हर लोग सहयोग करें, हर लोग आगे बढ़ें और मुझे विश्वास है कि शरद पवार उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। शरद अपने इस प्रयास में सफल हों, वो भारत को एक ऐसी शक्ति देने में सहायक हों जो एकजुट होकर के समस्याओं का समाधान कर सके। अटल जी, आपके आने से इस परंपरा को कि हम सब मिलकर के सहयोग के रास्ते पर चलेंगे, शायद बल मिलेगा,
मुझे विश्वास है हम विचारों का मतभेद होते हुए भी समस्याओं के अनुरूप अपने को एक करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं 1962-60 से शरद को जानता हूं, अटल जी से भी तभी मेरा परिचय हुआ था। दोनों ने मिल करके, कभी अलग रह करके, कभी अलग अलग होते हुए भी अंदर अंदर मिल करके देश को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है अब समय आ गया है जब खुल करके जनता के सामने दोनों मिल करके आएँ और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मेरी शुभकामनाएं शरद के लिए, मेरी शुभकामनाएं प्रतिभा के लिए, उस परिवार के लिए। वो यशस्वी हों, शरद दीर्घजीवी हों, यही मेरी शुभकामना है।